राजगढ़ के नेहरू मैदान में 6 दिवसीय दशहरा उत्सव आज से आरंभ हो जाएगा। 6 दिवसीय इस दशहरा उत्सव का शुभारंभ व्यापार मंडल राजगढ़ के अध्यक्ष हरिओम खेड़ा के द्वारा किया गया। उड़ान वीडियो वेलफेयर सोसाइटी के संयोजन विवेक पलाह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस 6 दिवसीय दशहरा महोत्सव में कबड्डी व वॉलीबॉल रस्साकसी प्रतियोगिता के साथ 2 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त शोभा यात्रा व रावण दहन का आयोजन भी किया जाएगा। नमस्कार सभी को, मैं उड़ान वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष विवेक पलाह आप सभी से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग इस 6 दिवसीय मेले में आएँ और इस मेले की शोभा बढ़ाएं। सभी राजगढ़ वासियों से और सभी गांवों से मेरा निवेदन है कि वो आप सभी इस मेले की शोभा बढ़ाएं। जैसे कि हमने, ये आज हमारा प्रथम दिन है और इसकी ओपनिंग श्री हमारे हरिओम खेड़ा जी, जो व्यापार मंडल के प्रधान है और समस्त व्यापार मंडल के सदस्य जो है वो इस समय हमारे बीच मौजूद है, और उनके द्वारा ये शुभारम्भ इस मेले का किया गया है। इस मेले की शुभारम्भ में सबसे पहले हमने महिला रस्साकसी का आयोजन किया है, जिसमें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और काफ़ी सारी महिलाएं लगभग इस मेले में आई हैं और रस्साकसी का जो रजमाइश कर रही हैं। तो इसके बाद जो ये महिला जो रस्साकसी है, ये एक तरह से फ्री एंट्री रखी गई थी महिलाओं के लिए, और इसमें 5100 और 2100 रुपये का कैश प्राइज रखा गया है। इसके साथ मोमेंटो और ट्रॉफीज वगैरह दी जाएगी। और इसके बाद जो टूर्नामेंट होगा वो होगा वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल हमारा पंचायत लेवल पर है, जिसमें कि कैश प्राइज 41,000 और उपविजेता को मिलेगा 21,000 रुपये। इसमें पंचायत स्तर पे ये टूर्नामेंट करवाया जाएगा। इसके अलावा इसमें इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे, जैसे डिग्री कॉलेज हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, आपके प्राइवेट स्कूल्स हो गए, बीएड और कॉलेज वगैरह को हमने इसमें मान्यता दी है और ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो एंट्री शुल्क रहेगा वो 2100 रुपये है। तो आप भी जल्द से जल्द, आप आज से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, 19, 20 और 21 को वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया जाएगा। जो भी टीमें आना चाहें, निवेदन है उनसे कि कल सुबह तक वो मैदान पर पहुंच जाए ताकि हम ये उनका एंट्री ले सकें। इसके बाद 22 तारीख को कबड्डी, ओपन कबड्डी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आपके हिमाचल से टीमें आ रही हैं और इसमें कैश प्राइज हमने 51,000 और 25,000 रुपया रखा है, और उपविजेता और विजेता को ट्रॉफी के साथ साथ अन्य आकर्षक इनाम भी दिए जाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपनी एंट्रियां सुनिश्चित करें। कबड्डी वाले, खासकर कबड्डी टीम्स का मेरा निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आए यहां पर, और हम एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये टूर्नामेंट करवाया था तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। हम चाहते हैं कि इस बार उससे भी ज़्यादा रिस्पांस हमारी टीम को, उड़ान वेलफेयर सोसाइटी को मिले। और स्थानीय जनता से भी निवेदन है कि प्लेयरों का हौसला अफजाई के लिए आप इस मैदान पर आएँ और उनका हौसला अफजाई करें। और इसके अलावा जो हमारा 23 और 24 को रहेगा वो सांस्कृतिक संध्याएं रहेंगी। इसमें बहुत सारे बाहर के कलाकार भी रहेंगे और हमारे स्थानीय कलाकार भी रहेंगे। तो ये दोनों नाइटें हमारी 23 और 24 को रहेंगी। इसके अलावा मेला पूरा तरह से दुकानें सजने लगी है और झूले वगैरह भी तैयार हैं। सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में इस मेले में आएँ और इस मेले को सफल बनाएँ। मेरा आपसे सभी से ये निवेदन रहेगा। जय श्री गुरु महाराज, जय हिमाचल, जय भारत।